नमस्कार दोस्तों, मैं साची कंसल और आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी मूवी हंगामा से पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिमी सेन की। रिमी सेन जिनका जन्म 1981 कोलकाता में हुआ था और जो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, जिसके चलते रिमी सेन ने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही बॉलीवुड में कदम रखने की सोची। रिमी सेन जब मुंबई आई तो उनका सफ़र बहुत आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने शुरुआत छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट और मॉडलिंग से की। धीरे धीरे चलते चलते उनको तेलुगु फिल्मों में काम मिलने लगा और फिर 2003 में उनकी मूवी रिलीज हुई हंगामा, जिसने बॉलीवुड में उनका नाम बना दिया। रिमी सेन वैसे तो बहुत चुप स्वभाव की हैं, लेकिन उन्हें अपनी मूवीज़ में काफ़ी अलग अंदाज में देखा जाता है। उसके बाद उनकी कई मूवी आईं जैसे धूम और बागबान, लेकिन उन्हें कभी लीड रोल में ज़्यादा देखा नहीं गया। सेन हाल फिलहाल में किसी बॉलीवुड मूवी में तो नहीं देखी गई, लेकिन हाँ, उन्हें बिग बॉस के सीज़न 9 में ज़रूर देखा गया, जहाँ वो बहुत चुप रहती थी। उस सीज़न में सलमान हमेशा उन्हें टोकते रहते थे कि रिमी सेन आप इतनी चुप क्यों रहती हैं, आप सेट पे तो काफ़ी बोलती हैं, लेकिन रिमी सेन का हमेशा ये कहना होता था कि सलमान मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ। रिमी सेन हमेशा से एक अच्छा नाम बनना चाहती थी और उन्होंने ये पाया भी, लेकिन बिग बॉस के सीज़न में ही उनके साथ सलमान ने एक चीज़ करी जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। सलमान खान ने उन्हें एक टिकट टू फिनाले पकड़ा दिया, जिसको देखते ही वो रोने लगी। रिमी सेन का मानना था कि वो शुरुआत में ही निकल जाएंगी, क्योंकि वो घर उन्हें भा नहीं रहा था। उसके बाद 2017 में रिमी सेन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और जिसके बाद अब वो ट्विटर और अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे ज़्यादा एक्टिव दिखती हैं। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल देश ऑनलाइन। अभी के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।